नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं 14 और 15 नवंबर को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। दिल्ली NCR सहित NCR से जुड़े उत्तर प्रदेश के जिलों में अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगी धूंध। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र थाईलैंड की खाड़ी के ऊपर मौजूद है। इसके दक्षिण अंडमान सागर में उभरने की संभावना है। इसके प्रभाव से शनिवार तक दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे व्यापक मौसमी बदलाव देखने को मिल सकता है। यही नहीं, अगले 3 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मध्यम कोहरा छाया रहेगा। वहीं अभी कानपुर में स्थिर नहीं है तापमान, उत्तर पश्चिमी हवाएं गिराएंगी तापमान। कानपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की ठंड दस्तक दे चुकी है और रातें सर्द होने लगी है, लेकिन दिन का तापमान अभी भी स्थिर नहीं है। तापमान में फिर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। हालांकि आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम हवाओं से तापमान गिरने की संभावना बनी है, जबकि रातें सर्द होने लगी है, लेकिन दिन का तापमान अभी गर्म है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह उत्तर पश्चिम हवाओं के आने से फिर से ठंड में इजाफा हो सकता है। न्यूनतम तापमान में अभी थोड़ी बढ़ोतरी और हो सकती है, हालांकि अधिकतम तापमान में कमी भी हो सकती है। मौसम में हो रहे यह बदलाव उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण है। 1-2 दिन में जैसे ही आसमान से बादल छटेंगे, वैसे ही तापमान में गिरावट आने लगेगी और ठंड बढ़ने लगेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस सप्ताह मध्य उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। बादलों की वजह से तापमान में इजाफा हो सकता है। वहीं गोरखपुर में औसत से ठंडा रहेगा दिन, तापमान में आएगी गिरावट। आने वाले दिनों में लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। नवंबर के बचे हुए दिन औसत से ठंडे रहेंगे। अगले कुछ दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो सकता है। इस साल ठंड अधिक होगी। मौसम खुश्क रहेगा, सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा। सुबह पूर्वा व दोपहर 12 बजे के बाद दक्षिण पश्चिम की तरफ से हवा चल सकती है। इस बार ठंड की शुरुआत थोड़ा पहले से हो जाएगी। दिसंबर के पहले ही सप्ताह से कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इसकी प्रमुख वजह है कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ अधिक बने हैं। इसके चलते ठंड इस बार समय से पहले शुरू हो जाएगी और ठंड अधिक पड़ेगी। जबकि आगरा में सुबह छाने लगा है कोहरा, दोपहर में तेज धूप निकलेगी और तापमान बढ़ेगा। अब आने वाले समय में मौसम खुला ही रहेगा। यदि तेजी से तापमान बढ़ा तो 16 नवंबर को आगरा और इसके आसपास के हिस्सों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 18 नवंबर तक धुंध छाई रहेगी, इससे तापमान में गिरावट आएगी। इस बार घना कोहरा पड़ने की उम्मीद जताई गई है। इसी के साथ ही मैनपुरी में दिन भर छाई रही धुंध और छाए रहे बादल। दीपावली के बाद से वातावरण में छाई धुंध अभी भी समाप्त नहीं हो रही है। शुक्रवार को भी दिन भर धुंध और बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन और बादल छाए रहेंगे। वहीं आने वाले दिनों में ठंड के तेवर और बढ़ेंगे। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें शनिवार और रविवार को आसमान पर मध्यम बादल छाए रहेंगे। वहीं दक्षिण पूर्वी हवा भी सामान्य गति से चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार लानिना के प्रभाव से नैनीताल में इस बार जल्द हो सकती है बर्फबारी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का है इंतजार, और यदि बर्फबारी होती है तो इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश में भी आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।